मैंने प्रोड्यूसर से कहा मैं जो मर्जी करूं तुम मुझको ना टोकियो। प्रोड्यूसर ने मुझे किराए पे साइकिल लेके दी और कहा पहुंच जाओ टोकियो। यहाँ पहुंचकर मैं हक्का बक्का रह गया, हर बंदा अपना काम खुद ही कर रहा है। हाँ अगर कमर पे खारिश करनी हो तो फिर किसी को कहना पड़ता है। बैठो बैठो, मैं किसी रक्षे दे माज भाई तो नहीं, पर बैठो ट्राई कर लेंदे हैं। चादर ले लो, रस्ते च कोई सदका खरायत भी मिल जाता है, वो एदे च इकट्ठा करना। सारा जापान घूम के देखा पर मुझे कोई लंबा जापानी नजर नहीं आया। एक ही गल हुई, लंबे कद का एक नुकसान है। वो क्या? एते सारे बंदे वैगन च सफर करते ने, कद लंबा होवे ते वैगन दी छत पुड़पुड़ी वजदी है, इसलिए एथे छोटा कद ही सूट करदा। भाई चूसली, आप ये बताएं अक्सर जापानी अपने नाक से फिने क्यों होते हैं? मैं को पूछिए है? आहो जी, ओ इसलिए कि सारा दिन जापानी सीधे काम करते हैं ते रात नू पुठे होके सोंदे हैं, इसलिए सारा जोर नक ते पेंदा ते ओ फिने हो जांदे हैं। चाचा मूली, आप मुझे ये बताएं क्या मैं जापानी सीख सकता हूँ? हाँ खड़पैंच तू सीख सकदा, अगर तेनू बिल्ली दी आवाज आउंदी है म्याऊं म्याऊं, या दो चार महीने कच्चे जापानी फल खा, जे बेहतर बोलनी है ते नक दे विच छलियां दे दाने रखा। जापानियों ने मुझे डड्डू खिलाने की कोशिश की मगर मैंने सिर्फ शोरा पिया। बेज़ाबी टोटे।